गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी पी रही हूँ मैं गर्म पानी, क्योंकि मुझे हो गई सर्दी, तो थोड़ा गर्म पानी पीने से बहुत आराम मिलता है। और अभी वैसे भी मौसम ठंडा हो गया है, तो मैं गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दूंगी। तो मुझे हो गई थी सर्दी, तो मैं थोड़ा आज आराम से उठी थी। लगभग 7:30 बजे उठी थी, तो मैंने आज कुछ वर्कआउट वगैरह भी नहीं किया था, बस आराम से बैठी हूँ और गर्म पानी पी रही हूँ। तो हमेशा मेरे रूटीन सेम नहीं होते हैं, जैसे मेरी बॉडी काम करती है, जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे मैं काम करती हूँ। बिल्कुल भी काम का ट्रेस नहीं लेती हूँ, लोड नहीं लेती हूँ। जैसा दिन होता है वैसे मैं काम करती हूँ। तो अभी क्या हो गया है, मानसून स्टार्ट हो गया है, तो बारिश भी अच्छे से भी हो रही है। तो मैंने सोचा आज थोड़ा प्लांट की भी गुदाई कर लेती हूँ। तो प्लांट में क्या होता है, मिट्टी बिल्कुल जम जाती है। तो वैसे तो मेरे सारे प्लांटर्स के अंदर कोकोपीट्स लगा हुआ है, तो वो बिल्कुल जमते नहीं है, पर मेरे ये दो प्लांटर्स के अंदर अभी मिट्टी है। तो मैं सोचा थोड़ी गुदाई कर लेती हूँ, और प्लांट्स भी आप देख सकते हो इतने हरे भरे हो गए हैं अभी। और नए जो प्लांट्स लगाने होते हैं, तो अभी इसी टाइम लगाने होते हैं, ताकि उसमें अच्छे से ग्रोथ हो सकती है। तो ये मेरा एलोवेरा का प्लांट इतना बड़ा हो रहा है, बिल्कुल बैलेंस में भी रहता नहीं है अभी। तो मैंने उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया, और जो खराब पत्तियाँ थी वो भी मैंने निकाल दी। तो मैं वेट कर रही हूँ कि बेबी प्लांट निकले, तो उसमें मैं ये बड़ा वाला प्लांट निकाल दूंगी। पर अभी देखती हूँ बारिश हो रही है, तो शायद बेबी प्लांट निकलेगा। और ये बैलेंस में बिल्कुल भी रहता नहीं है, मैंने उसको दीवार की सपोर्ट पे अभी रखा है। वैसे तो प्लांट बहुत अच्छा है, पर बहुत बड़ा हो गया है, बैलेंस में रहता नहीं है। और मैंने मंगवाए थे बहुत ही अच्छे से ऐसे प्लांटर, बाम्बू प्लांटर है ये, बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं इसके अंदर मनी प्लांट लगाने वाली हूँ, और अपनी बालकनी डेकोरेट करने वाली हूँ। तो ये टाइम पे आप किसी भी प्लांट्स की कटिंग से लगा सकते हो, अच्छे से ग्रोथ हो जाती है। तो मैं यहाँ पे मनी प्लांट लगा रही हूँ। तो मैं प्लांटर्स में मिट्टी से ज़्यादा कोकोपीट डालना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कभी भी आप एक दो दिन पानी अगर देना भूल भी जाओगे, तो प्लांट सूखेंगे नहीं, काफ़ी मॉइस्चर रहता है इसके अंदर। और ये मैं पाइनएप्पल का जो लेके आई थी ऊपर का, तो उसमें भी बहुत अच्छी जड़ें आ गई थी, तो मैंने उसको भी अच्छे से लगा दिया है अभी मिट्टी में। तो दूसरा था उसमें थोड़ी जड़ें नहीं आई थी, तो उसको मैंने पानी में रहने दिया, पर इसके अंदर थोड़ी जड़ें आ गई थी। तो देखते हैं, वो भाई बोल रहे थे वापस पाइनएप्पल आएगा, पाइनएप्पल आए या नहीं आए, पर मैंने तो ये ऐसे ही लिया था कि दिखने में बहुत प्यारा लग रहा था, इसके लिए देख सकते हो अब इसमें बिल्कुल भी जड़ नहीं आई है। तो मैंने उसको वापस पानी में रख दिया, और मेरे ये बाम्बू वाले प्लांटर्स भी रेडी है, और अभी मैं बालकनी में उसको लगाऊंगी।
के अंदर मुझे आर्टिफिशियल प्लांट से ज़्यादा मुझे ओरिजिनल फ्लावर रखना बहुत पसंद है, पर मैं पूरे दिन घर पे रहती नहीं हूँ तो मेरे विंडोज़ वगैरह बंद रहते हैं तो फ्लावर्स ख़राब हो जाते हैं। तो आज लेके आई थी मैं रोज़, तो मुझे रोज़ बहुत पसंद है और हमारे यहाँ नीचे रोज़ वाले मिल जाते हैं तो मैं एक रोज़ ज़रूर लेके रखती हूँ घर के अंदर। बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से खिल भी गया था ये रोज़। और मैंने मीशो से कुछ ऐसे ऐसे डेकोरेट आइटम मंगाई थी, तो ये कुछ हैड पंप जैसा होता है तो पहले के ज़माने में हम उसको यूज़ करते थे। और ये फ़ैन मैंने सोचा कि ऐसे ही फ़ैन आएगा, पर ये फ़ैन चालू था और उसको चार्ज भी कर सकते हैं, तो गाना जी के लिए बहुत ही बढ़िया काम में आ जाएगा। तो कितना प्यारा लग रहा है और चल भी रहा था, उसको चार्ज भी करना होता है। तो ये देख के तो मैं इतना खुश हो गई, और हेडपम्प भी चालू है, इसके अंदर पानी भर के उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो आज बना रही की तूरी की सब्जी, और मैं अभी मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना पसंद करती हूँ। तो मेरे पास मिट्टी की वैसे 3 कढ़ाइयाँ हैं और ये भी एक मैंने लेके रखी है। तो नॉर्मली जो रेगुलर खाना बनाती हूँ वो ये कढ़ाई में बनाती हूँ, बाकी मेरे पास और भी 3 कढ़ाइयाँ हैं। तो मिट्टी के बर्तन मेरे पास बहुत सारे हो गए हैं और मैंने अभी कुकर भी मंगवाया है, तो मैं उसका रिव्यू ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ कुकर कैसे वर्क करता है। तो वैसे भी मिट्टी के बर्तनों में खाना खाना काफ़ी हेल्दी होता है, तो मैं अभी मिट्टी के बर्तन ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो जो एलोवेरा की मैंने पत्तियाँ काटी थी तो उसमें थोड़े थोड़े पत्तियाँ अच्छी थी, तो मैंने क्या किया काट के ऐसे एयरटाइट कंटेनर में पैक करके रख दिया है, ताकि मैं कभी भी हेयर में या मैं स्किन पे लगाती हूँ तभी ये यूज़ कर लूँगी। तो ऐसे ही मैं स्टोर करके भी रख लेती हूँ। तो किचन में मैंने ऐसे मेटल के बहुत सारे कंटेनर परचेस किए हैं, तो ये है चाय चीनी, फिर बिस्किट नमकीन वाले भी पूरा सेट मैंने परचेस किया है, तो बहुत ही अच्छे हैं, एयर टाइट भी है। तो अभी इसके अंदर मैं सारा फिल करूँगी, मैंने लेके ऐसे ही रख दिए, धो के रखे थे तो मैंने सोचा बाद में फिल करूँगी, तो आज मैंने फिल कर रही हूँ। और ये वाले कंटेनर भी बहुत अच्छे थे, ऐसे गरम मसाला काली मिर्च बहुत सारे कंटेनर से आए थे, ये 8 कंटेनर थे, तो इसको भी मैंने अभी फिल कर देती हूँ। छोटी वाली मिर्ची की जार में मैंने काश्मीरी लाल मिर्ची भर दिया है, और ये बड़ी वाली जार में मैंने जो हम रेगुलर मिर्ची यूज़ करते हैं वो मैंने भरा है। तो मैं पूरे सीजन के मसाले भर देती हूँ, इसके लिए मैं ऐसी कांच की जारी यूज़ करूँ ताकि मसाले पूरे साल ऐसे के ऐसे रहे। कपड़े से स्टिच करवाए हैं और नए भी लिए हैं, तो बस रोज नए नए कपड़े पहनती हूँ। और अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया होगा तो आपको पता ही होगा मैं वहाँ पे रील्स भी अपलोड करती हूँ और पिक्स भी अपलोड करती हूँ। तो घर का सारा काम मेरा अभी हो गया है, यानी किचन जो सेटअप कर रही थी मैं उसको मैंने आधा ही छोड़ दिया क्योंकि मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया था। तो मैं ये करती हूँ कि
टाइम के हिसाब से काम करती हूँ कि इतने टाइम पे मेरा इतना काम हो जाना चाहिए बस। मैं यह बर्डन नहीं लेती हूँ कि सारा काम खत्म करके ही छोड़ूंगी, ऐसा नहीं होता है। मैं टाइम के हिसाब से काम करती हूँ कि इतने टाइम पे इतना काम मुझे खत्म करना है। तो टाइम हो गया था तो जो भी आधा अधूरा काम था वो मैंने छोड़ दिया, तो बस वो नेक्स्ट डे करूंगी। तो मैं ऐसा ही रखती हूँ, मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, स्ट्रेस में बिल्कुल काम करती हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस और घर दोनों बैलेंस करना होता है इसके लिए। तो आप भी अपने घर को ऐसे ही बिल्कुल ऑर्गेनाइज रख सकते हो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रह के। और ज़रूरी नहीं होता है कि कुछ नया हमेशा परचेस करिए। पहले भी मेरे पास कुछ इतना नहीं था, फिर भी मैं इतना अच्छे से डेकोरेट करके किचन रखती थी। तो फिलहाल ही मैंने अभी इतनी सारी जार परचेस करी, थोड़ा मेरा किचन बहुत अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा और मुझे उसको अच्छा सेटअप करना है, और सेटअप करने के बाद वापस मैं आपके साथ किचन टूर शेयर करूँगी। तो पहले अच्छे से मैं सेटअप करूँगी, उसके बाद शेयर करूँगी। तो चलिए दिखा देती हूँ कि मैंने कैसा गाउन पहना है, और जाती हूँ फिर ऑफिस क्योंकि टाइम हो गया है। तो पहना है कुछ बहुत ही बढ़िया वाला ऐसा फ्रॉक, तो ये वाला फ्रॉक मैंने एक कपड़े में से सिलाया है। तो दुबई से एक कपड़ा आया था और सोच रही थी क्या सिलाऊँ क्या सिलाऊँ, क्योंकि बिल्कुल एक ही जैसा कपड़ा था तो ड्रेस बनाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था और बहुत लंबा था। तो मैंने सोचा कुछ गाउन वगैरह सिला लेती हूँ, बहुत ही अच्छा घेरा भी आ जाए, दिखने में बहुत ही अच्छा लुक देगा। तो मैंने इसमें से फ्रॉक सिलाया है और ये कपड़ा दुबई से आया था, तो इसके लिए मैंने कुछ भी सिलाया। और कपड़ा बहुत ठंडा है, बहुत ही अच्छा एकदम मुलायम कपड़ा है। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ बहुत ही अच्छे से वीडियो के साथ। तो अभी किचन ऑर्गेनाइज करना पूरा बाकी है और पूरा किचन टूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मेरी वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।